साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं अपने खेत पर आया हूँ। ये सामने देखो, खेत में मैंने दोबारा से ज्वार बो दी थी। इसमें हरी गंगा काफ़ी अच्छी जम का आ गई है बारिश पड़ने के बाद में। और भाइयों हमारा जो है 5 बीघे के लगभग इसमें अब की बार हमने ज्वार बोई थी, ज्वार जो हरे चारे के लिए। तो एक क्यारा हमने जो है गन्ने की तरफ से खुआया फिर, और इसमें जो है पूरा क्यारा उतार के आज भाइयों हम करेंगे इसमें तिल की बुआई। ये देख लो, पिछले साल हमने उड़दों में डाले थे कि ताकि उड़दों में नील गाय वगैरह जंगली पशु ना आ पावे, क्योंकि इन साथ तेनी ऐसा बताया जाता है। तो उड़द तो हुए नहीं थे लेकिन तिल हो गए थे हमारे पास में। तो अब हमने सोचा कि निखालिस क्यों ना बोई जाए। तो आज जो है भाइयों तिलों की बुआई करेंगे। तो थोड़ा सा वो सरसों का इस तरह का मतलब बीज भी बखेरने में दिक्कत हुआ, मैं कुछ इसमें रड़ाने के लिए लाना था DAP या यूरिया वगैरह में कुछ मिल कर फेंक जाता, लेकिन अब तो सब माल सपड़ा रखा चम्मच समम का पसीजा फिर खाद वाद भी जब डालना नहीं कुछ कहीं। तो भाइयों इसमें जो है इसी तरीके से बीज बखेर देंगे और इसमें करेंगे आज हम तिल की बुआई। आगे दिखाते हैं आपको अपना महिंद्रा हो गया 585। देखे भाइयों तिल की बुआई कर दी हमने और खेत में देखो रूटर की जुताई के बाद मज़ा आ गया। बुगलों का कार्य चल रहा अपना। तो भाइयों हरे चारे की भी बड़ी समस्या आपकी बार में, तो इसीलिए हमने 2 बीघे फालतू रखा था अब क्या। और यह हरी गंगा जब हमने बो दी, ये इसके साथ में रड़का जब ये पक जाएगा ना, तो पक ही लिया खैर अब, तो इसके साथ में ये चल जाएगी। दीवान जी नियार काट रहे हैं। तो भाइयों हमने दो दो बार रूटर निकाला इसमें।